हे गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस तरह का एक शानदार ट्रेंडिंग वाला ज़बरदस्त स्टेटस अपने मोबाइल से कैसे एडिट कर सकते हो। गाइस, देख सकते हो कितना ज़बरदस्त यहाँ पे स्टेटस जो हमारा लग रहा है। आप भी इस तरह का स्टेटस बना सकते हो गाइस। तो बहुत ही सिंपल स्टेप से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ यार, वीडियो को एंड तक देखना, और पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस, प्लीज़ यार, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार। बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिल जाए। और गाइस, हम 100K के बहुत ही नियर, प्लीज़ यार जल्दी से हमारे 100K करवा दो। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले अलाइट मोशन एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ये नहीं तो इसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम पर दे दिया गाइस। तो अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिलता रहेगा और मटेरियल का भी लिंक मिलता रहेगा। तो अलाइट मोशन एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे एक ग्रीन वाला बटन मिलेगा, प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। बॉटम में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रेशियो मिलेंगे, बहुत सारे रिजोल्यूशन मिलेंगे गाइस। तो रेशियो आपको जो चाहिए वो सेलेक्ट कर लो। मैं 4:5 का रेशियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, और रिजोल्यूशन जो आपके मोबाइल में सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं आपके मोबाइल में कौन सा सपोर्ट करता है तो आप 720p सेलेक्ट कर लो, क्योंकि ये बहुत ही मतलब हर एक मोबाइल में सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे मैं 1080p जो है 1080p सपोर्ट कर लेता हूँ, और सपोर्ट करता है मेरे मोबाइल में, तो वो सेलेक्ट करता हूँ। और कलर जो है वो ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपली क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। और गाइज, आपको बता दूँ कि इस वीडियो में जो भी मटेरियल मैंने यूज़ किया है ना, लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो सिंपली प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है, इमेजिन वीडियो पे चले जाना है। ये पे क्लिक करने के बाद क्या करना है गाइज, आपको व्यू ऑल पे क्लिक कर देना है। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आप कोई भी फोटो सेलेक्ट कर लेना गाइज, जिस फोटो का स्टेटस आप बनाना चाहते हो। ठीक है, तो सिंपली क्या करेंगे गाइज, हम यहाँ पे एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे जिस फोटो का आपको स्टेटस क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ़ोटो जो है मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको जो चाहिए वो आप डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है मैं ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, मूव एंड ट्रांसपोर्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है, और इस पर यहाँ पे क्लिक कर देना है, और इस तरह से इसको जूम कर देना है। जूम करने के बाद प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, ऑडियो पे चले जाना है, व्यू ऑल पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे ये वाला जो सॉन्ग है गाइस, बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला सॉन्ग, तो ये वाला सॉन्ग सेलेक्ट कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको अगर 15 सेकंड का स्टेटस बनाना तो 15 सेकंड का बना सकते हो, अगर 30 सेकंड का बना तो 30 सेकंड भी बना सकते हो। तो क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे से राइट टू ट्रिम कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो। ये करने के बाद आपको एंड वाले पॉइंट पे आना है, और जो लेयर आपने फोटो की सेलेक्ट की थी उस पर क्लिक करके स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे लेके आ जाना है। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर देना गाइस। क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो इफेक्ट पे जाना है। इफेक्ट पे जाने के बाद ऐड इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद कलर लाइट वाला ऑप्शन पे चले जाना है गाइस, और ह्यू शिफ्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग पे जाना है, और सबसे स्टार्टिंग में आना है और एक एनिमेशन लगा देना है, और सबसे एंड में आना है और एक एनिमेशन लगा देना है। उसके बाद जो ह्यू शिफ्ट है आपको उसे बढ़ा लेना कुछ इस तरह से। ठीक है, मतलब 1x या 2x कर देना इसे, मतलब इसके साइज़ को आपको सबसे ज़्यादा हाई कर देनी है। करने के बाद देख सकते हो इसका जो कलर है गाइस चेंज हो रहा है। होने के बाद क्या करना है, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, इमेजिन वीडियो पे चले जाना है, और यहाँ से गाइस एक शेडो इफेक्ट ऐड कर लेनी है। गाइस, शेडो इफेक्ट से काफ़ी अच्छा लुक मिलेगा हमारे स्टेटस को। मिलने के बाद क्या करना है गाइस, आपको यहाँ पे सिंपली मूव एंड ट्रांसपोर्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको थर्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसे साइज़ में बड़ा कर लेना है। फिर फर्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके साइज़ को हम यहाँ पर नीचे रख लेंगे। यहाँ पे रखने के बाद एंड वाले पॉइंट पे आना है, और लेयर पे क्लिक कर देना है, दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे हम जो है इफेक्ट लगाएंगे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, इमेजिन वीडियो पे चले जाना है। चले जाने के बाद क्या करना है गाइस, व्यू ऑल पे क्लिक कर देना है। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दो PNG यूज़ कर लेनी, ये वाली, और PNG की साइज़ हम यहाँ पे कम कर देंगे सिंपली मूव एंड ट्रांसपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करके, और थोड़ा सा इसे रोटेट भी कर लेंगे। आपको यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे आपको अगर फोटो को इधर उधर लेके जाना है तो वो फर्स्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है, और जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो साइज़ कम या ज़्यादा करने के लिए। तो बैक वाला ऑप्शन पर आ जाना है, फिर से प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, इमेजिन वीडियो पर जाना है, और एक ये वाला जो PNG वो भी सेलेक्ट कर लेना है, मूव एंड ट्रांसपोर्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है गाइज, और फिर से इसकी जो साइज़ है ना वो कम कर देनी है। कम करने के बाद आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना साइज पे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस क्या करना है, सिंपली आपको इसे रोटेट कर लेना है। ठीक है, जैसे आपने PNG रोटेट की थी, और फर्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसे हम यहाँ पे रख लेंगे।
ठीक है। रखने के बाद साइज देख सकते हो, एकदम स्टार्टिंग वाला सॉरी एंड वाला पॉइंट पे आना है और दोनों लेयर की जो साइज है ना वो आपको एंड तक कर लेनी है, ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, इमेज एंड वीडियो पे चले जाना है, व्यू ऑल पे क्लिक कर देना है गाइज, और व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक इफेक्ट कोड डाउनलोड कर लेना है, ये वाला डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली मूव एंड ट्रांसपोर्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है और साइज को थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे। बड़ी करने के बाद बैक वाला ऑप्शन पे चले आना है और ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी पे जाना है, लाइटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, स्क्रीन पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद इसका जो ऑडियो है ना गाइज वो हम यहाँ पे डिसेबल्ड कर लेंगे, तो सिंपली ऑडियो वाले बटन पे क्लिक करके इसे डिसेबल्ड कर लेना है। फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक कर देना है, इमेज एंड वीडियो पे चले जाना है और यहाँ से गाइज आपको एक ब्लैक स्क्रीन सेलेक्ट कर लेनी है, काफ़ी कमाल की ब्लैक स्क्रीन है और इस वीडियो पर बहुत ही सूट होगी गाइज। तो कुछ इस तरह का जो ब्लैक स्क्रीन है देख सकते हो आप, तो सिंपली प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और इसे थ्री डॉट पे जाना है, ऊपर आपको एक बटन मिलेगा थ्री डॉट का और फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। मूव एंड ट्रांसपोर्ट वाला बटन पे जाना है, थर्ड वाला ऑप्शन पे जाने के बाद थोड़े से साइज को बड़ी कर लेनी है। बड़ी करने के बाद थोड़ा सा यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे जो पार्ट है ना वो आपको रिमूव कर देना, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन मिलेगा ना राइट टू लेफ्ट वाला इसे लेफ्ट कर देना है। उसके बाद इस स्टार्टिंग वाला पॉइंट पर आना है और इस लेयर पे क्लिक करके आपको यह सेकंड वाले ऑप्शन पे प्रेस करके रखना है, ठीक है। अभी जो लेयर सेलेक्ट की उस लेयर पे क्लिक कर देना है, ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी पे जाना है, लाइटन पे क्लिक करके स्क्रीन पे टैप कर देना है। तो अभी जो है इफेक्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद यहाँ पे एक पीएनजी ऐड कर लेनी बॉर्डर की, तो प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना, इमेज एंड वीडियो पे चले जाना गाइज और व्यू ऑल पे क्लिक कर देना है। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है हम यहाँ पे लोगो लगा लेंगे, सॉरी गाइज ये बॉर्डर लगा देंगे, बॉर्डर से काफ़ी अच्छा लुक मिलेगा। फिर से मूव एंड ट्रांसपोर्ट वाला बटन पर क्लिक करके थर्ड वाला ऑप्शन पर जाकर इसे मैं थोड़ा सा बॉर्डर कम कर दूंगा। अभी आपको यहाँ पे अच्छे से ऐड कर लेना, मतलब एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो भी यहाँ पे मैं इमेज है इसको यहाँ पे आपको रिमूव कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सब फोटो था और इस लेयर पर क्लिक करके इसे राइट टू ट्रिम कर देना, इसे भी राइट टू ट्रिम कर देना है और ये जो बॉर्डर वाला लेयर है उस पर क्लिक करके इसे आगे की तरफ लेके आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आ तो गया है, सब स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर आ गया है, ठीक है, और एंड वाले पॉइंट पर भी आ गया है। ऑडियो पे गाइज हमें यहाँ पे ऐड कर लिया है, बस खाली यहाँ पे लोगों की ज़रूरत हो तो इमेज एंड वीडियो पे क्लिक कर देना है, व्यू ऑल पे जाना है और यहाँ से गाइज आप एक लोगो लगा सकते हो अपना खुद का। तो मैं मेरा यूट्यूब का लोगो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और मूव एंड ट्रांसपोर्ट वाला बटन पे क्लिक करके साइज़ को यहाँ पे कम कर देता हूँ। कम करने के बाद इसे मैं यहाँ पे रख लूँगा इस तरह से, थोड़ी साइज और कम करूँगा और इसे कोने में रख लूँगा, ठीक है, इस तरह से। और फिर से एंड वाले पॉइंट पे जाना है, इस लेयर पे क्लिक करके इसे एंड वाले पॉइंट पे लेके आ जाना है। तो फाइनली गाइस स्टेटस रेडी है। इस तरह का जो स्टेटस है ना वो काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा था और काफ़ी अच्छा गाइस। तो स्टेटस बनाने के बाद एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, वीडियो को अपनी गैलरी में एक्सपोर्ट कर लेना है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना गाइस, यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी वीडियो भी मिलती रहेगी। तो प्लीज़ अपने चैनल को सपोर्ट करो यार गाइस, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, और प्ले लिस्ट भी विजिट करो गाइस, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ट्यूटोरियल भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।